राम राम भैया, जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। तो कल अपना पेपर है, तो ले 5 4 क्वेश्चन सुनाओ, शायद कोई फायदा हो जाए। व्यवस्था बन की हुई आपने, खाने पीने व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है, कल अपना पेपर है, तो जो को बंदो याद करके लेके बैंक तो टेंशन तक की है, और जो को मेरे लिए है वो टेंशन फ्री है, कोई टेंशन को नहीं। पेपर आयो खोल दो, सीट भरी बस साल। आपने तो यो काम है, जो को बंदो याद करके ले जाओ बैंक तो डर रहेगा का अपना पेपर फाइट होगा को नहीं होगा को नहीं होगा। जो को बंदो याद कर ले जाए फिर भी यहाँ घबरा जाए का अपना पेपर पास करनी है, तो भाई घबराना कौन, यूपीआई हो जाए कभी स्लो भी हो जाए, जा नॉर्मली रखनी है। पेपर आने के बाद 3 4 मिनट आए आराम से शांत बैठ कर, कोई दिक्कत नहीं, आँख आँख बंद करके बैठ जाओ, तो आपने किया था अपने थोड़ा सो सारो सो मेंटेन हो जाए शरीर के, सारो जो खून प्लान हो रहा है शरीर में, तो वो एज का मेंटेन हो जाए शरीर, माइंड एज का मेंटेन हो जाए, तो आपने क्या फ़ायदा होगा। जो क्वेश्चन है आप भूल रहे हैं, जो आपने दिमाग में नहीं जा रहे हो वो आपने याद आ जाए, ठीक है। तो टाइम नहीं गवाते हैं, तो आपको थाना 3 4 क्वेश्चन बता दें, जो कम थारा शायद कोई फायदा हो जाए। तो बांसवाड़ा जिले का स्थानीय नाम क्या है, वो है पाखड़। कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, वो है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और ब्यावर नगरी स्थापना की गई है कर्नल डिक्सन द्वारा, ठीक है। ये 5 4 क्वेश्चन है, जो थाना बता दूँ चाल देता हूँ, ये शायद कोई थारे काम आ जाए क्या भाई। तो अब राजस्थानी पंचायती राज नगरीय स्वशासन के बारे में अपन बात कर लिया, वो है एक आध बता देना, ब्रिटिश काल में पहली नगर पालिका कहाँ पर स्थापित की गई, आबू में, वो याद करना है, शायद वो आ भी इसका है, वो आइड है थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का मायने आइड है, वही 2017 का मायने आइड हुआ क्वेश्चन। ब्रिटिश काल में पहली नगर पालिका कहाँ पर स्थापित की गई, आबू में। और दूसरा क्वेश्चन इसी में, और विधान पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष, वो आइड है पटवारी में 2011 का मायने, यानी आने की संभावना है शायद। लिखमाराम थे प्रथम जिला प्रमुख है कौन सो। और उसके बाद हमें आगे चलते हैं, कुछ और रीजन एक ही दो दो करते हैं, सारे तो रिपीट नहीं होंगे, तो आपको एक ही दो दो क्वेश्चन बता दें। तो आपको बोर्ड तो वैसे होना नहीं है, पेपर आराम से करना है, सीट आई आराम से बैठ के रहना है, ठीक है। ज़्यादा घबराने नहीं, घबराओगे तो पेपर फाइट नहीं होगा। अब लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, रंगाई छपाई उद्योग है ना, बाएँ बजे सारा ज़्यादा प्रदूषित हुए हैं लूनी नदी। वो क्वेश्चन आइडस सेकेंड ग्रेड टीचर का मायने आ गया, शिक्षक भर्ती रुंडी तसरी तक लाती है, वह है बाणगंगा। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी, वो तो सबको याद होगा, सारे लगभग आपका तो याद करें, बाणगंगा तो याद है। वर्तमान में मशहूर किस नदी का प्राचीन नाम सरस्वती है, सरस्वती था, घग्गर नदी का। वो राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जलप्रपात से जुड़ी हुई है, चंबल नदी, याद रखना है। किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है, माही नदी को कहा जाता है। और एक तो क्वेश्चन, राजस्थान की 12 मासी नदी कौन सी है, वह है चंबल नदी। और बड़े नदी का दूसरा नाम क्या है, आयड, याद रखें। बिशनपुर बांध किस जिले में स्थित है, टोंक में, याद रखना है आपको, कहीं भूल मत जाना, मैं आप इसको आप बता रहा हूँ, सेट कर लेना दिमाग में, वैसे तो आपको याद होगा। वैसे हम बात कर लें राजस्थान के विकास कार्यक्रम के बारे में, बात कर लें क्या, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक वाणिज्य प्रौद्योगिक फसलों का प्रीमियम दर है वो है 5.0%, याद रखें। किशोरी शक्ति योजना संबंधित है, किशोरी बालिकाओं की पौष्टिकता स्वास्थ्य की अभिवृद्धि से। राजस्थान में कौन सी योजना वित्तीय समावेश में महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, भामाशाह योजना। मेवा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में क्रियान्वित किया जा रहा है, भरतपुर व अलवर में। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई, 2 अक्टूबर 2011 का मायने की गई। तो ये आपने थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आप रिपीट करना, शायद आपका है कोई, आप जाइए का दे। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है, भामाशाह योजना है। उदय योजना है वो विविध वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, इनके बारे में दे रखी है। फिर निम्न में से कौन सा पंचायत है, सिमली, भीलाड़ा, वायुत, अबू रोड, संचौर एवं पावर परियोजना के लाभार्थी है, लाभार्थी नहीं है, वो है भीलाड़ा। राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र के कार्यक्रम में वर्ष 1993-94 शुरू किया गया, सीमावर्ती क्षेत्र में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। हम आप बात करने हैं एक आध की, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में बात करना, बालिकाएं जन्म से प्रति सकारात्मक सोच ने उसके स्वास्थ्य शैक्षणिक क्षेत्र सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा सुधार ने राजस्थान में 2017 से बजट की गई है। इनमें प्रवेश में पहले से पुरुष संचालित शुभ लक्ष्मी योजना का स्थल लिया गया है। योजना तहत 1 जून 2016 के इसके जन्म लेने के वाली बालिकाओं में जन्म होती हूँ। उनसे आगे बात करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं योजना के बारे में बात करें। छोड़ो, राणा सांगा और बाबर के बीच में ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिसके विरुद्ध विजय हासिल की थी वो योद्धा है राणा सांगा। दो सदी को वह
खान है जो राजपूतों में मराठों के बीच हुई थी लड़ाई तुंगा, याद रखना आपको। 1857 की क्रांति अंग्रेजी में जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को कितने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह। पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 2 युद्ध लड़े गए थे। युद्धों की श्रृंखला जिसे राजस्थान की युद्ध भी कहा जाता है, ज़्यादातर राजपूतों से हार का सामना किसे करना पड़ा? अरबी हमलावरों को। चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया, ठीक है। और धरपल का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया। सुमेलगिरी का युद्ध है 1543 किस किसके मध्य लड़ा गया? राव मालदेव शेर शाह के सूरी के मध्य लड़ा गया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? मीर चौहान था, जो आपको याद रखना है। प्रसिद्ध युद्ध स्थल खतौली का किस जिले में है? बूंदी में है, ठीक है। हरमाड़ा युद्ध हुआ था, वो शेर शाह सेना नायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था। और कर्नल जंग चौंडे ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था? दिवेर के युद्ध को कहकर पुकारा था। और राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? 1527 में। हल्दी का टीका को युद्ध कब हुआ? 1576 में। यह युद्ध 1576 में। तुंगा का युद्ध 1787 में महीने लड़ा गया। तो टाबरू पेपर आराम करने घबराना को नहीं।